हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? होप ठीक ही होंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रिलेशन फंक्शन टॉपिक चल रहा था, टाइप्स पढ़ी थी, दो ही कर पाए थे क्योंकि इसमें एग्जांपल काफ़ी हमने लगा दिए थे। ट्रांसिटिव अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, जो एनसीईआरटी के अंदर थर्ड मेन टाइप है, जिसके ऊपर सारी पहली एक्सरसाइज बेस्ड है हमारी। तो हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेटिक पढ़ा, अभी तक रिलेशन पढ़ा, सबसेट पढ़ा और थोड़ा नंबर लाइन के बारे में, थोड़ा सेट्स के बारे में हमने थोड़े सा डिस्कशन में करा था। तो एक बार मोटा मोटा देख लें, रिलेशन याद है? याद है। बार बार उसको क्या बोलेंगे? आर सबसेट ऑफ, इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये चीज़ याद हो जाए। थोरेटिकल होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट, ए कॉमन ए बिलोंग टू, या ए का रिलेशन ए के साथ होगा, सिमेट्रिक। हर डेफिनेशन में एक बात याद रखनी है, क्या बोला, कॉन्ट्राडिक्शन ही होनी चाहिए। लेट ए कोमा बी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ए कोमा बी बिलोंग टू रिलेशन, देन बी कोमा ए भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। ए और बी सेम भी हो सकते हैं क्योंकि वो नॉन एम्प्टी सेट ए में है, ए और बी की वैल्यू सेम भी हो सकते हैं। नोट में बोला था ए वन बी टू, ए वन बी वन भी हो सकता है, ये भी बोला था आपको इसमें। फिर दूसरी बात ये बोली थी कि अगर ए और बी सेम हो, वन वन हो, टू टू हो, थ्री थ्री हो, वो ऑलवेज क्या होते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताया था जो हमारे ग्रेजुएशन में चलता है, जब आप उन क्लासेस में जाएंगे तो इस चीज़ को पढ़ेंगे कि जो बेसिक जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, कि कॉन्ट्राडिक्शन ही होनी चाहिए। जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होगी वहाँ वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, और ना ही जो आज थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम, ट्रांजिटिव, वो भी नहीं होगा। तो हम आज थर्ड डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव की। हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे ट्रांजिटिव, आज हम इसको डिस्कशन में लेके चल रहे हैं। ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? हम ट्रांजिटिव चल रहे हैं। तो एक रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, आर रिलेशन आर ऑन अ, आज को चला देना क्योंकि पहले भी हमने उसी में ज्यादा एग्जांपल देते रहे तो वहीं पे हम टॉपिक रोक दिया, रुकना पड़ा हमें दो डेफिनेशन पे। तो आज हम चलेंगे रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव, हम तभी बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर करना, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव को समझें एक बार दोबारा, ए का रिलेशन खुद के साथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक अगर 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 इफ इफ गिवन गिवन है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, देन देन मतलब चेक करो क्या बी से भी ए का रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए का रिलेशन बी के साथ है तो क्या बी का रिलेशन ए के साथ होगा कि नहीं होगा। मैं आज कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं करूंगा, जिन जो बच्चे अच्छे हैं जो समझते हैं बात को, कॉन्ट्राडिक्शन को अपने दिमाग में रखो कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैं अभी सिंपल सिंपल जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन उसकी बात करूं, तो अगर ए का रिलेशन खुद के साथ तो रिफ्लेक्सिव, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का चेक करो ए के साथ है कि नहीं। फादर ऑफ ए खुद का फादर है? नहीं। ए फादर है बी का तो क्या बी फादर है ए का? नहीं। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, पहले वर्बली ओरल समझ लो। अगर ए का रिलेशन, अगर फिर बोल रहा हूं अगर, अगर मतलब अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ये भी गिवन है। ओहो समझ में नहीं आया, अगर ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ है कि नहीं चेक करो, तो वो तो खत्म होगी बात सिमेट्रिक की। अब बात करें ट्रांजिटिव की, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन फर्दर आगे सी के साथ है, तो चेक करो क्या ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं है। सी का ए के साथ नहीं चेक करना, नहीं 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 गलत है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो सी का ए के साथ नहीं चेक करना, सी से ए पे नहीं आएगा ना, ये गलत है। ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ चेक करो क्या ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं है। अगर हुआ तो ट्रांजिटिव, नहीं हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या हुआ, एक रिलेशन आर, इसमें एनसीईआरटी के अंदर दो डेफिनेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन हम बाद में पढ़ेंगे जैसे पिछली डेफिनेशन में पढ़ा, फिर भी इनकी दो डेफिनेशन है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को हम पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हम सबसे बाद में पढ़ेंगे, फिर भी हम सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, ए रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तभी होगा अगर 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 इफ अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन में है,
फिर इफ का मतलब वही वाली बात है, एक गिवन है एंड दो डेफिनेशन है इसके अंदर, एंड एनसीईआरटी में दो डेफिनेशन है, बी कॉमा सी ब्राउन टू रिलेशन में, कॉन्ट्रडिक्शन की बात हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इनकी डेफिनेशन की बात करें, ये दोनों गिवन होने चाहिए, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ, सी के साथ, देन 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 का मतलब आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्या बोला ये चेक करना होता है आपको, ये दोनों क्या होते हैं, गिवन होते हैं, बार बार क्या लिखना है, लिखा हुआ है, देन किसका रिलेशन चेक करना है, सी का रिलेशन ए के साथ है कि नहीं है, गलत हूं, गलत हूं, यही मैं बोल रहा हूं, ये नहीं चेक करना सी का ए के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो चेक किसको करोगे, ए का सी के साथ, यहां पे सी का ए के साथ नहीं चेक करना, देन चेक किसको करना है, ए कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन में है कि नहीं है, ये क्या करोगे बेटे, बार बार लिख रहा हूं चेक करना है इसको, अगर हुआ तो यस क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव की डेफिनेशन है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन सी के साथ चेक करो, फॉर एग्जांपल इज लेस देन, एक नंबर मान लो ए छोटा है बी से, मान लो एग्जांपल ए छोटा है बी से, टू छोटा है फाइव से, ए मैंने टू ले लिया, बी फाइव ले लिया, सी मैंने सेवन ले लिया, टू छोटा फाइव से, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन में, टू छोटा है फाइव से, फिर आगे ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, फाइव छोटा है किसका, सेवन के साथ, देन चेक करो, चेक क्या करना है, ए का रिलेशन सी के साथ क्या टू छोटा होगा सेवन से, यस ऑलवेज, तो क्या होगा ट्रांजिटिव, हर केस पास होगा, केस पास होगा, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सोचो ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, फ्रॉम वन कॉमन टू से आप क्या बोल सकते हो, सोचो ए छोटा है बी, बी छोटा है सी से, तो ए भी किससे छोटा होगा, सी से, तो ट्रांजिटिव होता है, जबकि लेस देन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ए अपने आप से छोटा नहीं होता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता, जैसे पढ़ना सिमेट्रिक नहीं होता, अगर ए छोटा है बी से तो बी छोटा नहीं होगा, बी बड़ा होगा, ऐसे सिमेट्रिक नहीं होता, बट ए क्या होता है ट्रांजिटिव, सॉरी इज लेस देन क्या होता है ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता, लेस देन सिमेट्रिक नहीं होता, बट ट्रांजिटिव होता है, तो कहता है ये डेफिनेशन होती है, इसमें दो डेफिनेशन है, पहले एक की बात करें, मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ते हैं, अगर इफ ए रिलेट टू बी दैट मीन्स गिवन है, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी के साथ है, गिवन है, बी के साथ है, ये क्या है गिवन है, बार बार लिख रहा हूं, दो दो बार यहां भी लिख दिए, यहां भी लिख दिए, गिवन है, एंड वैसे तो इफ से ही पता चल जाना चाहिए, इफ का मतलब ही गिवन होता है, दैट मीन्स ये भी गिवन है, बी का रिलेशन सी के साथ है, देन 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 का मतलब ये चेक करेंगे, क्या चेक करना है, ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं, दैट मीन्स चेक करोगे ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं, ये दोनों क्या लेके चलोगे और इसको क्या कराओगे, चेक कराएंगे, ये एक डेफिनेशन होती है, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, कॉन्ट्रडिक्शन वाली नहीं बता रहा, वो बात की बात है, दोनों एनसीईआरटी की है, ये दोनों डेफिनेशन है, कौन सी है, एनसीईआरटी की है, इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन नंबर टू, ये भी एनसीईआरटी की है, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, सिमेट्रिक की एक डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव की भी एक है एनसीईआरटी में, हमने वो तो कॉन्ट्रडिक्शन में पढ़ी थी, जो हायर क्लासेस में हम यूज करते हैं, अभी कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं हो रही, अभी फिलहाल डेफिनेशन की बात हो रही है, दूसरी डेफिनेशन क्या है ट्रांजिटिव की, आर रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव, तभी होगा अगर ए का बी से रिलेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन अलग होते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ गिवन है, एंड एंड देन नहीं कह रहा हूं, देन नहीं कह रहा हूं, बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं हो, ये गिवन है कि बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, देन आल्सो ट्रांजिटिव होता है, कॉन्ट्राडिक्शन के बाद समझाऊंगा लास्ट में,
अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ए का रिलेशन भी सी के साथ हुआ, चेक कर लेना, तो ट्रांजिटिव है। एक डेफिनेशन होती है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ये दोनों गिवन होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, गिवन होने चाहिए। देन चेक क्या करना है, क्या ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं है। पर दूसरी डेफिनेशन में क्या कहते हैं, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ए बी के रिलेशन में, बी आगे जा ही नहीं रहा, बी का रिलेशन सी के साथ जा ही नहीं रहा, तो चेक कैसे करोगे ए को सी के साथ, देन आल्सो ट्रांजिटिव। ए का रिलेशन बी के साथ, बी आगे जा रहा है सी के साथ, ए का रिलेशन बी के साथ, ए बी के साथ रिलेट हो रहा है, बी आगे जा रहा है सी के साथ, देन चेक क्या करना है, ए का रिलेशन सी के साथ। पर अगर क्या कह रहा है सोचो, और अगर क्या कह रहा है सोचना, ए का रिलेशन बी के साथ है, दैट मींस गिवन है ए का रिलेशन बी के साथ, गिवन है, एंड बी का रिलेशन सी के साथ, दैट मींस गिवन है बी का रिलेशन है सी के साथ नहीं है, साथ है, साथ नहीं है, नहीं है, बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, देन आल्सो क्या होता है, ये कह रहा है ट्रांजिटिव। तीसरा जाने की जरूरत नहीं है सी के साथ, ये कोई जाने की जरूरत नहीं है, ए बी से रिलेट कर रहा है, बी आगे जाए ना तब भी ट्रांजिटिव है। एक बी के साथ है, बी सी के साथ है, ए सी के साथ है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए सी के साथ है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है। बट ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में क्या होगा, दूसरी डेफिनेशन में क्या होगा ट्रांजिटिव की, अगर ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, बी आगे जाए ना, देन आल्सो ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देके समझाओ, फिर मैं बाकी बातें भी समझा दूंगा, पहले ऑरल एग्जाम्पल देके समझा देता हूं। जैसे मैंने एक रिलेशन बोला इज लेस देन, ए इज लेस देन बी, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी लेस देन सी, तो ए भी क्या होगा, लेस देन सी होगा। इज लेस देन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ए खुद से छोटा नहीं होता, सिमेट्रिक भी नहीं होता, ए छोटा है बी से, बी छोटा नहीं होगा, बी बड़ा होगा, इसे रिलेशन चेंज हो गया, ट्रांजिटिव होगा, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए बी किससे छोटा होगा, सी से। फिर दूसरी डेफिनेशन का बताता हूं, इज वाइफ ऑफ, खुद देखना, खुद सोचना, इज वाइफ ऑफ, क्या इज वाइफ ऑफ रिफ्लेक्सिव होगा, ए खुद की बीवी होगी, ए इज खुद की वाइफ है, ए इज वाइफ ऑफ ए, नहीं, सिमेट्रिक होगा, ए वाइफ है बी की, तो क्या बी वाइफ होगी ए की, ए वाइफ है बी की, मतलब ये इसकी वाइफ है, तो बी क्या हुआ, हस्बैंड हुआ, वाइफ नहीं हुआ, रिलेशन चेंज नहीं करना, रिलेशन इज वाइफ ऑफ ही रखना है, ए वाइफ है बी की, तो बी क्या हुआ, वाइफ नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव है, ए वाइफ है बी की, ए वाइफ है बी की, बी वाइफ है सी की, गिवन गिवन, ए वाइफ है बी की, तो ए क्या हुआ, फीमेल, वाइफ है बी की, बी क्या हुआ, मेल, हस्बैंड हुआ, बी वाइफ है सी की, तो कैसा हो सकता है, अगर ए वाइफ है बी की, ए जो है वाइफ है ऑफ बी, तो ए क्या हुआ, मेल के फीमेल, फीमेल, बी क्या हुआ, मेल, बी वाइफ है ऑफ सी की, इंडिया की बात हो रही है, बस इधर ध्यान दो, इधर तो की बातें ना करा करो, बी वाइफ है सी की, मेल, बी क्या है, मेल है, वाइफ क्या हो सकता है, बी वाइफ हो नहीं सकती सी की, तो क्या लगा कि ए का रिलेशन बी के साथ तो है, ए वाइफ तो है बी की, पर बी आगे रिलेशन में गया ही नहीं, बी वाइफ, तो चेक क्या करूंगा, ए सी के साथ चेक क्या करूं, ए का रिलेशन बी के साथ, बी आगे रिलेशन में गया ही नहीं, तो चेक क्या करूंगा, यस क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ये दूसरी डेफिनेशन का एग्जांपल है जो मैं दूंगा आपको, अब समझे हो, ये दोनों डेफिनेशन को ध्यान रखना है जब भी आप कर रहे हो, इज वाइफ ऑफ ट्रांजिटिव होता है, अभी दे रहा हूं एग्जांपल, साफ साफ क्लियर लिखूंगा, तो पहले आप डेफिनेशन लिख लो ट्रांजिटिव की क्या होती है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ, चेक करना है, ठीक है, और अगर ए का रिलेशन बी के साथ गिवन है, बी का रिलेशन सी के साथ गिवन नहीं है, देन आल्सो ट्रांजिटिव, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी आगे रिलेशन में नहीं दिया सी के साथ, देन आल्सो ट्रांजिटिव। पहले मैं डेफिनेशन याद करा दूं, फिर मैं एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आगे चल दूंगा, तो मैंने उससे पहले मैं नोट डाल दूं, वही वाली बात है जो पहले कहे हैं, जो ए हियर, ए कॉमा बी कॉमा सी मे है, मे है
सेम वैल्यू, मे हैव डिफरेंट वैल्यू, मे हैव डिफरेंट वैल्यू, ए बी सी की या तो सेम वैल्यू होगी या डिफरेंट होगी। क्या मतलब है? दैट मीन्स ए वन बी टू सी फाइव हो सकता है, हो सकता है, ए टू बी टू सी थ्री हो सकता है, हो सकता है, ए टू बी थ्री सी टू हो सकता है, हो सकता है, ए टू बी टू सी टू हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी वैल्यू सेम हो सकती है। सर ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस इसी में समझ लो, ए टू बी थ्री सी थ्री दो सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं, तीनों अलग भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी दो सेम हो सकते हैं, हाँ ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, या फिर ये दोनों सेम हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं। अगर ए बी सी सेम हो, ए बी सी क्या हो? सेम हो, समझ रहे हो? ए बी सी क्या हो? सेम हो। दूसरी बात है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी है सेम वैल्यू, दैट मीन्स ए बी वन बी बी वन सी बी वन, देन ऑलवेज ट्रांजिटिव, देन ऑलवेज क्या होगा? ट्रांजिटिव, दैट मीन्स नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक, ये शॉर्टकट है। तीसरी बात है, अगर आइदर ए बी और बी सी नॉट ए सी, इफ आइदर ए बी, इफ आइदर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी नॉट ए कॉमा सी, ए कॉमा सी नहीं है, सेम वैल्यू से ए वन बी टू सी टू, ए टू बी टू सी थ्री, ए टू बी थ्री सी टू, ये नहीं, या फिर ये, या फिर समझ गए, या तो ए अलग होना चाहिए, बी सी की सेम वैल्यू होनी चाहिए, या फिर ए बी की सेम वैल्यू होनी चाहिए, ए सी की सेम नहीं बात हो रही, या तो ये दोनों सेम होने चाहिए या फिर ये दोनों सेम, या तो ए बी सेम होने चाहिए इस वजह से ए बी सेम है, या फिर बी सी सेम होने चाहिए, या तो बी सी सेम होंगे मेरा बी और सी दो दो, या फिर ए बी सेम होंगे, ए सी नहीं, ए और सी नहीं, देन आल्सो ट्रांजिटिव, देन आल्सो क्या होगा? ट्रांजिटिव, तब भी ट्रांजिटिव, नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक, कोई चेक करने की उसको जरूरत नहीं होती है। देखो आप कुछ एग्जाम्पल में दे, तो ट्रांजिटिव के लिए ए बी सी की वैल्यू सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, तो उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा क्या होते हैं? ट्रांजिटिव होते हैं। जब तीनों ए बी सी की वैल्यू सेम हो जाए, ए वन बी वन सी वन तीनों की वैल्यू सेम हो जाए, और कोई भी एग्जांपल हो, जो नहीं वन वन हो, कोई भी हो, सेम होगा मतलब, जैसे दैट मीन्स ये है, तो देन ऑलवेज ट्रांजिटिव, कोई दो सेम हो जाए ए बी और बी सी, ए सी नहीं, ए सी नहीं, जैसे ये ए सी लिखा हुआ, तो हम लिख लेंगे, चलो ये ए कॉमा सी नहीं, जैसे ए वन हो जाए बी और सी सेम हो जाए, ऑलवेज ट्रांजिटिव, चेक करके देख लेना, ए टू हो जाए बी सेम हो जाए पर सी अलग हो जाए, यहाँ पे ए टू था बी अलग था सी टू था, यहाँ ए और सी सेम है, ये ट्रांजिटिव नहीं होंगे, ये ट्रांजिटिव नहीं होंगे, यहाँ पे मैंने सी भी क्या लिया है, ए क्या लिया था टू, देख रहे हो, ए क्या लिया हुआ टू, सी भी क्या लिया हुआ टू, ये दोनों मैंने सेम नहीं है, देन नहीं है ट्रांजिटिव, ये नहीं होंगे ट्रांजिटिव, इनको चेक करना पड़ता है, इनको चेक करके देखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ए दिया हुआ था वन टू थ्री, इन नोट का मतलब समझा, फिर मैं एक दो और एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, फिर जनरल एग्जाम्पल में चले जाएंगे। एक रिलेशन दिया हुआ है वन 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 टू टू वन टू टू ठीक है, तो कहता है क्या ये ट्रांजिटिव होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज चेक करने वाली है, ठीक है, तो इसके लिए क्या चेक करोगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक कराएंगे? अगर ए बी का रिलेशन है, ट्रांजिटिव डेफिनेशन क्या थी, यहाँ लिखो दोबारा, अगर ए बी का रिलेशन है, ट्रांजिटिव डेफिनेशन लिखो, अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, देन ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में, ये दोनों क्या होंगे? और ये क्या होना है? चेक, या फिर दूसरी जो मर्जी डेफिनेशन लगाना। अब देखो क्या चेक करोगे, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में, ये देखो
ये चेक हो रहा है भैया, इफ 1,1 बिलोंग टू रिलेशन में, ये 1 किसका काम करेगा बताओ, ए का, ये किसका काम करेगा, बी का, तो ये बोला गया है। अगर ए और बी की वैल्यू सेम है, जो भी हो ए और बी की वैल्यू सेम हो, तो नो नीड टू चेक, ये हमेशा ट्रांजिटिव बनेगा, हमेशा ट्रांजिटिव आएगा, देख लेना चाहिए। 1,1 क्या है रिलेशन में है एंड ए बी है, ए क्या 1, बी भी क्या लिया 1, फिर बी सी ढूंढना है, बी सी ढूंढो, क्या बी सी है, नहीं, क्योंकि ए 1 बी, बी 1, तो ये ढूंढोगे, 1,2 रिलेशन में है, सोचो ये क्या हो गया ए बी, ये क्या हो गया सोच रहे हो बी सी, ये बी सी, अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, देन क्या चेक कराओगे, 1,2 को चेक करना है, ये दोनों क्या है गिवन, ये क्या करोगे चेक करो, सोचो चेक करो, क्या 1,2 रिलेशन में है, सोचो हाँ है, 1,2 रिलेशन में हाँ है, यस, क्या हो गया ट्रांजिटिव, नहीं, अभी तो सिर्फ एक एलिमेंट चेक किया है, 1,1 एक चेक करके ट्रांजिटिव नहीं बोल रहा, सारे चेक करने हैं, मैंने 1,1 चेक किया, 1,1 रिलेशन में ए बी, फिर 1,1 रिलेशन में, फिर से अगला ए बी, फिर बी सी, 1,2 है, तो क्या 1,2 है, हाँ है, ये चेक किया गया, इससे पहले मैंने नोट में समझाया है, अगर ए बी की वैल्यू सेम आ जाए तो चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, मतलब ये केस हमेशा पास ही होगा, कभी फेल नहीं होगा। फिर दूसरा चेक करो, 1,1 चेक कर लिया, 1,2 चेक करो, अगर 1,2 रिलेशन में है, 1,2 बिलोंग टू रिलेशन में है एंड ए 1 बी 2 है, तो 2 के साथ कौन बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 2,1 रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, देन चेक करो, क्या चेक कराओगे, देन चेक करो क्या 1,1 रिलेशन में है, देखना जरा ए बी, ए 1 बी 1 बी सी, थोड़ा याद करो अपने डेफिनेशन को, ए बी बी सी, फिर ए सी चेक करना है, 1,1 है, हाँ है, ये दोनों क्या है बेटा इवन, ये क्या हो रहा है चेक, हाँ है, हाँ है। बट यहाँ एक बात और ध्यान रखनी होती है ट्रांजिटिव में, क्या कि हमने 1,2 को चेक किया, इफ 1,2 बिलोंग टू रिलेशन में है, 1,2 रिलेशन, उसको किसके साथ चेक किया, 2,1 के साथ, 2,2 के साथ भी तो चेक कर सकते थे, कर सकते थे, क्या करना पड़ेगा, हाँ सभी के साथ करना पड़ेगा, अगर 1,2 रिलेशन में है, 2,2 रिलेशन में है, सॉरी एंड एंड 2,2 रिलेशन में है, देन चेक करो, ये दोनों क्या था गिवन था, 1,2 को सिर्फ 2,1 के साथ नहीं चेक करना, 1,2 को सारों के साथ चेक करना है, ए बी, ये बी 2,1 से भी है, बी 2 बी सी 2,2 भी हो सकता है, 2,2 रिलेशन में है, देन चेक करो क्या 1,2 क्या था रिलेशन में होंगे, हाँ होंगे, अब ये 1,2 खत्म हुआ मेरा, मैंने 1,2 को चेक किया, समझ रहे हो, 2,1 के साथ भी किया और 1,2 को किसके साथ चेक किया, 2,2 के साथ भी चेक किया, चाहे भले और चेक कर लो वो एक अलग बात है। तीसरा क्या चेक कराओगे, इफ 2,1 बिलोंग टू रिलेशन में एंड 2,1 को किससे चेक करूंगा, 1,1 के साथ, 1,1 बिलोंग टू रिलेशन में, देन 2,1 रिलेशन में होगा, हाँ होगा, हाँ होगा, 2,1 है रिलेशन में, हाँ है, पर 2,1 को सिर्फ 1,1 के साथ चेक करूंगा, नहीं, 2,1 को किसके साथ चेक करूंगा, 1,2 के साथ भी चेक करूंगा, मैं ये बता रहा हूं, मतलब इफ 2,1 किस में है, रिलेशन में है एंड 2,1 को मैंने किसके साथ चेक किया, पहले 1,1 के साथ, अब किसके साथ चेक कर रहा हूं, 1,2 के साथ, 1,2 के साथ भी है, देन चेक करो क्या क्या 2,2 रिलेशन में होगा, यस ऑलवेज होगा, ये देख लो 2,2 रिलेशन, तो अब 2,1 चेक, ये नहीं कि सिर्फ एक के साथ चेक कर दिया, 1,2 को तो खत्म होगी ना, 1,2 की जिम्मेवारी लास्ट तक लेके जानी है, 1,2 किसके साथ चेक होगा, 2,1 के साथ भी, 1,2 के साथ भी, वो बात है ना क्या नोट वाली बात अलग है कि जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, भी वो बात नहीं भी कर रहा, पर ये समझ होनी चाहिए, 1,2 को मैं इसके साथ भी चेक करूंगा, 1,2 को इसके साथ भी चेक करूंगा, अब लास्ट वाला चेक करूंगा 2,2 को, 2,2 को किसके साथ चेक करूंगा, 2,2 को, ए बी को किसके चेक करूंगा, अगर यहाँ दिख जाए तो, इफ 2,2 बिलोंग टू रिलेशन में, 2,2 को किसके साथ चेक करूंगा, 1,1 के साथ करूंगा, नहीं ए बी है, बी सी देखना, 2,1 के साथ, 1,1 के साथ नहीं करूंगा, ए बी पी सी नहीं, 1,2 के साथ नहीं, 2,1 के साथ कर दूंगा, देन किसके साथ चेक करूंगा, 2,1 के साथ है, तो 2,2 रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है, फिर बी सी है, तो देन क्या चेक करूंगा, ए बी क्या ले लिया बेटे बताओ, 2,2, फिर बी सी क्या लूंगा, एंड एंड क्या लूंगा, 2,1 भी रिलेशन में है, देन क्या चेक करूंगा बताओ, देन 2,1 भी क्या रिलेशन में आएंगे, सोचो ए बी ठीक है, ये क्या हो गया बी सी, तो क्या चेक करूंगा, ए सी क्या रिलेशन में आएंगे बताओ, क्या रिलेशन में आएंगे, यस, अब सारे चेक हो गए, 1,1 भी चेक हो गया 1,2 के साथ, 1,2 भी चेक हो गया 2,1 के साथ भी, 2,2 के साथ भी, 1,2 के साथ भी, 1,2 के साथ भी, फिर मैंने 2,1 चेक किया 1,1 के साथ भी, 2,1 चेक किया, सारे चेक करने होते हैं,
फिर टूटू को चेक कर लिया सारे कि आ गया आ गया सारे आ गए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाला रिलेशन क्या होगा, यस ये क्या होगा ट्रांसिटिव, ये मतलब यस ट्रांसिटिव, समझ रहे हो, सबके साथ चेक करना है। तो इतना टाइम कैसे लगाएंगे पेपर में एक क्वेश्चन को चेक करने के लिए? सर और नहीं चेक कर सकते, वन वन है वन टू है, वो तो आपकी स्पीड बन जाएगी, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो मैं स्पीड से ही कराऊंगा, ये तो सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। हाँ ये मेरा अगर नोट समझ आ जाता है तो आपको पेपर में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, या ए बी की वैल्यू सेम है कि नहीं, दो की सेम हो या ए बी की, या तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती, पेपर में चेक नहीं करना, या क्या था नो नीड, या ए बी था अलग अलग है, बी सी भी अलग अलग, इसको चेक करना है, यहाँ ए बी था बी सी सेम है, देखो बी सी सेम है, बी सी सेम हो ये लिखा हुआ है, बी बी टू सी बी सेम, सी बी टू इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी बी सी सेम है चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ अलग अलग है ए बी बी सी अलग अलग है, इसको चेक करने की जरूरत है, यहाँ भी चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पेपर में यही दो चेक करना, बाकी तो हमेशा ट्रांजिटिव है, अगर समझ आती है ना, नहीं आता तो सारे चेक कर लेना, नहीं आता तो सारे चेक कर लेना, समझ रहे हो, नहीं आता तो फिर आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे, मतलब कोई जरूरत नहीं होती है इनको चेक करने के लिए, जब ए बी और बी सी क्या आ जाते हैं सेम। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा, दो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ए दिया हुआ है 1 2 3 और एक रिलेशन दिया हुआ है आपके पास 1 1, फिर आएगा 1 2 2 1, और एक मैंने ये दिया हुआ है ए दिया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3, एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 3, चलो ये चेक करना है, एक मैं और करके दिखा देता हूँ फिर एक आप करेंगे, ठीक है, हमें पहले ये चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूँगा, क्या चेक करूँगा, ट्रांजिटिव, अगर मुझे ट्रांजिटिव की डेफिनेशन आती है तो मैं चेक करूँगा ए बी बिलोंग टू रिलेशन में है कोई भी डेफिनेशन, एंड बी सी भी रिलेशन में है, देन चेक करूँगा ए सी भी क्या आएगा रिलेशन में, ये चेक करूँगा। तो कहता है ट्रांजिटिव में चेक करता हूँ, तो कर देता हूँ ट्रांजिटिव चेक, कैसे चेक करूंगा, अगर 1,1 किससे बिलोंग करेंगे रिलेशन से, अगर 1,1 बिलोंग टू रिलेशन है तो मैं नहीं बोल रहा है, अगर ए और बी की वैल्यू सेम है तो चेक करने की जरूरत, इसको चेक मत करो, नो नीड, ये नहीं गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, चेक करना कर लो, नो नीड है, चेक कैसे करोगे बता देता हूँ, 1,1 रिलेशन में अगर चेक करना है, रफ में बोल देता हूँ, जिसको चेक करना है चेक कर लो, 1,1 रिलेशन में है, एंड इसका क्या चेक कराओगे, इफ 1,1 रिलेशन में, 1,1 के साथ कौन चलेगा बताओ, 1,2 भी रिलेशन में है, तो इसके साथ क्या चेक किया, 1 रफ में, रफ बोल रहा है, रफ 1,1 रिलेशन में, इफ 1,1 रिलेशन में है, 1,1 के साथ क्या चलूंगा 1,2, तो क्या आएगा 1,1 1,2, तो क्या आएगा, देन किसको चेक करोगे, 1,2 क्या रिलेशन में आएगा, हाँ आएगा, यस, तो क्या आ गया बताओगे, ट्रांजिटिव, ये क्या आ गया ट्रांजिटिव, तो मैं वही बोला इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत हमेशा होते ही है, जब ए बी सेम हो तो हमेशा होंगे, यही बोला गया ए बी सेम हो, अगला चेक करो इफ 1,2 किससे बिलोंग करेगा रिलेशन से, एंड 2,1 भी किससे बिलोंग करेंगे बताओ रिलेशन से, 1,2 है हाँ, 1,2 2,1 है हाँ, देन क्या चेक कराओगे, 1,1 क्या रिलेशन में है, हाँ है, यस, तीसरा चेक करो, ये भी चेक हो गया, अब 2,1 चेक करो, इफ 2,1 बिलोंग टू रिलेशन है, हाँ है, एंड 2,1 के साथ क्या चेक होगा, 1,1 भी चेक होगा, जरूरत ही नहीं है 1,1 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, अगर बी सी सेम होंगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी बी टू सी बी टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा चेक कर लो, सोचो अगर 2,1 रिलेशन में है तो क्या चेक कर लो, 1,2 रिलेशन में है, मैं कह रहा हूँ 2,1 है, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ दूसरा क्या लोगे 2,1 के साथ, 1,1 ले सकते हो, 1,1 ले सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, ये हमेशा ट्रांजिटिव होंगे, क्यों होंगे, चेक करने कर लो, देन क्या लिखोगे 2,1 2,1 क्या रिलेशन में होगा, हाँ होगा, क्योंकि यही द्वारा तो आ जाता है, इसलिए कह रहा हूँ चेक करने की जरूरत ही नहीं, पर किसको चेक करोगे 2,1 क्या है, अब सोचो किसको चेक कराओगे, इधर देखो इफ अगले वाला 2,1 बिलोंग टू रिलेशन में है, एंड ये वाला समझो, ये वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, चीज समझाने के लिए, इस नोट को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज दिखाऊंगा, सोचो ध्यान से देखना इस वाले एग्जांपल को, 2,1 रिलेशन में 2,1 को किसके चेक करूंगा 1,2 के साथ, देन चेक करो क्या होगा, 2,1 रिलेशन में है, हाँ है, 1,2 रिलेशन में ए बी बी सी है, तो क्या ए सी होगा, 2,2 देखना क्या रिलेशन में, देखना जरा, नहीं है, एक भी फेल तो क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव,
मैं क्या चीज समझा रहा हूँ देखो, सबको आराम से समझ आती है, मेरी बात इधर ध्यान सुनना। यहाँ ए कितना है इस एग्जाम्पल में, बस बच्चा ये बता दे, वन, ठीक है। बी कितना है, वन। ए बी क्या है, सेम है। तो मेरे पास ए टू बी टू, ये बोला गया ए बी सेम है। तो देखो हमने चेक करके भी दिखाया वैसे रख में, तो क्या ट्रांजिटिव आया, आया। समझो मेरी बात, इस एग्जाम्पल में हम ए कितना है टू, शाबाश। बी कितना है वन, बी कितना है वन, सी कितना है, तो ए बी बी सी होता है, पढ़ लो ए बी फिर बी सी होता है। ए टू बी वन, बी वन सी वन, तो बी सी क्या है, सेम है, बी सी सेम है। तो क्या ट्रांजिटिव आया, मैंने बोला नो नीड चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी जिन्होंने चेक किया क्या ट्रांजिटिव आया, आया। तो यहाँ पे कौन सेम थे बताओगे, बी सी सेम थे। अगर बी सी सेम हो जाए, बी और सी सेम हो जाए, तब भी ट्रांजिटिव होता है। अब इस एग्जाम्पल में कोई बच्चा बताएगा ए कितना है टू, शाबाश। बी कितना है वन, बी कितना है वन, सी कितना है टू, इसमें बताओगे कौन सेम है, बी सेम है। ओ गधों, ओ गधों, बी तो सेम ही रहेगा, ए बी बी सी, बी नहीं, ए सी सेम है। ए कितना है यहाँ पे टू, सोचो सी भी कितना है टू, ए कितना है टू, सी कितना है टू, ए सी सेम है। तो उसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव नहीं लिख सकते, पढ़ो सुनो एक बार पढ़ो। इफ आइदर ए बी और बी सी नॉट ए सी, नॉट ए सी, नॉट ए सी, ए सी हैव सेम वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल ए वन बी और सी सेम, ए बी सेम सी अलग, ए टू सी सेम, देन देन आल्सो ट्रांजिटिव, नो नीड टू चेक। कब चेक करने की जरूरत नहीं है, जब बी सी सेम हो नो नीड, क्योंकि हमेशा ट्रांजिटिव होंगे। जब ए बी सेम होंगे नो नीड, बट नॉट बट, बट कौन से बोल रहा हूं, ए सी सेम होंगे ए सी, तब जरूर चेक करना है, देन जरूर चेक करना है। तो क्या या नोट ट्रांसलेट, ये इस नोट का मतलब था, इस एग्जांपल में ये बोल रहा है। समझ में आई है बात, ओ काके समझ रहे हैं, चल फिर ये चेक कर दे, मेरे को ट्रांसलेट है कि नहीं चेक कर दे जल्दी से फटाफट से, शाबाश। जिनको समझ आई है वो इस बात को चेक कर ले, जो थोड़ा घूम से गए हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल करा दिया चलो खत्म, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब रिलेशन फंक्शन पढ़ना है ये उन्हीं के लिए होता है जो अपना पूरा दिमाग सारा कंसेप्ट में यूज करते हैं, काके सारा ध्यान इधर रखना होता है, यानी पानी पीने के लिए उठ गए हो, इधर उधर चले गए हो, कभी इधर कभी उधर, नहीं, पूरा लेक्चर ध्यान से सुनो, सोचो क्या नोट दिया था, क्या उसका एग्जाम्पल दिया है, पढ़ो इस एग्जाम्पल को। सर क्या कह रहे हैं, बी सेम तो चेक करने की जरूरत नहीं है, पेपर में टाइम सेविंग है, इसको नहीं चेक करना। बी सी सेम थे तो चेक नहीं करना, कब चेक करना है, जब ये और ये हो जाए। इसमें कौन सेम है, ए बी बी सी, यहाँ पे क्या ए और सी सेम है, तो ये ट्रांजिटिव निकला, यहाँ ए और सी सेम है ट्रांजिटिव नहीं निकला। तो उन केसेस को हमेशा चेक करना है जब ए और सी क्या हो, सेम हो। इधर देखो ए और सी सेम थे पर ट्रांजिटिव निकला है, यहाँ ए और सी सेम है बट ट्रांजिटिव नहीं निकला, मतलब इसने कंडीशन क्लियर कर दिया था, इसमें कंडीशन क्लियर नहीं किया। तो वही बात समझा रहा हूं, आंखें बंद करके तब आपने ट्रांजिटिव लिखना है जब ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम हो, और तब नहीं लिखना है जब ए बी और बी सी सेम हो, तब तो लिख दो ट्रांजिटिव है, पर जब ए सी सेम हो तो आंखें मूंद के ट्रांजिटिव नहीं लिखना। जब ए सी सेम होंगे, ए सी सेम होंगे, ए सी सेम होंगे, तो ट्रांजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तब चेक करना कि कंपल्शन है, यहाँ नो नीड है मतलब चेक ना करो, यहाँ नो नीड है पेपर में चेक ना करो, इसको जरूर चेक करना है और इसको भी जरूर चेक करना है, ये बोला गया है पेपर में। जैसे अब मैं इसमें दिखा दूंगा आपको फटाफट से हम कैसे चेक करेंगे, आप खुद बैठ के चेक कर लो। सॉल्यूशन है, क्या चेक करना है मुझे, ट्रांजिटिव चेक करना है। फिर मैं डेफिनेशन को पढ़ लूंगा, इफ ए कमा बी किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन से, बी कमा सी बी के रिलेशन से, देन मैं क्या चेक करूंगा बेटे, ए कमा सी, ए कमा बी कमा सी किससे बिलोंग करेंगे, नॉन एम्प्टी सेट ए से, वन उनको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए बी सेम हो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। किसको चेक करूंगा, वन टू को, अगर वन टू रिलेशन में है, कौन से चेक करूंगा, अगर वन कमा टू रिलेशन में है ए बी, टू को आगे किसके साथ चेक करूंगा, देन टू कमा वन भी रिलेशन में है, इफ को, इफ वन कमा टू एंड टू कमा वन है, देन चेक कर लो वन कमा वन क्या रिलेशन में होंगे, हाँ यस है, एग्जाम्पल चेक हो गया। पर वन कमा टू को सिर्फ 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 टू कमा वन से चेक करूं, ऐसा नहीं है, वन कमा टू टू कमा वन से भी चेक होगा, वन कमा टू किससे चेक होगा, सोचो टू कमा थ्री से भी चेक होगा, वन कमा टू किसमें है, रिलेशन में है,
एंड 2,3 भी रिलेशन में है, देन क्योंकि यहाँ पे ना ए बी सेम है ना बी सी सेम है, तो देन चेक करो क्या 1,3 रिलेशन में है। हाँ है, 1,3 है रिलेशन में, दिया हुआ है, यस है, तो ये भी चेक हो गया। अब 2,1 चेक करूंगा, इफ 2,1 कहता है रिलेशन में है, एंड 2,1 को किससे चेक करूंगा, 1,1 के साथ नहीं करने की जरूरत, नहीं करने की जरूरत, क्योंकि 2,1 1,1 नहीं करने की जरूरत, क्यों, क्योंकि इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, ये देखो जब ए और या सॉरी बी और सी सेम आ जाए तब करने की जरूरत ही नहीं होती है, तो सिर्फ 2,1 को किससे चेक करूं, 2,1 को 1,1 के साथ नहीं करना, 2,1 को 1,1 के साथ नहीं करना, 2,1 को किसके साथ चेक कर लूं, 1,2 के साथ कर लूं, कर लो 1,2 के साथ, देन क्या चेक करूंगा बताओ, 2,1 है हाँ, ए बी है, बी सी है हाँ है, देन क्या चेक करूंगा, 2,2 है बताओ रिलेशन में, देखना जरा है 2,2 नहीं है रिलेशन में नहीं है, एक भी केस फेल तो फेल, आगे जाने की जरूरत है नहीं है, नॉट ट्रांसिटिव, ये मतलब है टॉपिक, समझ गए हो, हैं क्या कह रहे हो आप, अब पीछे बैठे बच्चा हाँ बोलो शाबाश क्या कह रहे हो, ऐसा एग्जांपल दे दूं जो दूसरी डेफिनेशन वाला हो, चलो दे देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ अभी दे देता हूँ, अभी दे रहा हूँ दूसरी, ये कह रहे हैं बच्चा दूसरी डेफिनेशन का एग्जांपल दे दो, समझ आ गया, नोट रख कर दूं, ए बी की वैल्यू जब क्या हो सेम हो, या किसकी वैल्यू बीसी की पर एसी की नहीं, इसमें किसकी वैल्यू सेम है, अगर ध्यान से देखो ए कितना है 2, बी कितना 1, बी 1, सी कितना 2, ए 2, इस वाले एग्जांपल को देखो जरा, ए 2 बी 1 सी 2, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो कहां देखनी है, चेक करना, तो भी चेक करो, सेम होते तो मैं ना चेक करता कौन से वाला ए बी या बी सी, नॉट ए सी, नॉट ए सी का मतलब ये, ठीक है। अब एक बच्चा मुझे कह रहा चलो कोई बात नहीं, देखा ही बात है, नोट क्या करना थोड़ा रिमाइंड करके देख लेना इसको, अब एक बच्चा मुझे कह रहा है एक ऐसा एग्जांपल दो, 1,2,3 है, एक रिलेशन दिया हुआ है मान लो 1 मानी चलो मान लो, फिर 1,3 है, तो कहता है क्या ट्रांजिटिव होगा, एक खोल ले लेता हूँ, एक रिलेशन ए दिया हुआ है 1,2,3, एक रिलेशन दिया हुआ है 2,3, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, ये पूछा गया, तो इसको देख लेते हैं, क्या ट्रांजिटिव होगा इसको देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या चेक करना चाहते हो बताओ, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होगा, लेट ए कमा बी कमा सी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में, देन चेक कर लो ए कॉमा सी भी रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो, या फिर दूसरी डेफिनेशन होती है, सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी आगे रिलेशन में ना जाए तब भी ट्रांसिटिव होगा, ही हम चेक करते हैं, तो आप बच्चा पूछा सर दूसरी डेफिनेशन पे एग्जांपल दे दो, कोई दे दिया मैंने एग्जांपल, ये ले लो या फिर ये ले लो, 1,1 को चेक करने की जरूरत है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, क्या 1,1 को चेक करने की जरूरत है, 1,1 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों 1,1 है 1,3 है तो 1,3 भी, 1,1 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, किसको चेक करने की जरूरत है 1,3 को, अगर 1,3 बिलोंग टू रिलेशन एंड 3 के साथ कोई अगला जा रहा है, नहीं समझो ए बी है, ए कितना है इसमें 1 शाबाश, बी कितना है 3, तो बी सी 3 के साथ आगे कोई जा रहा है, 3,2 क्या रिलेशन में है या 3,1 रिलेशन में है या कोई भी ले लो 3,1 है, 3 के साथ आगे कोई एलिमेंट जा रहा है बताओ जो रिलेशन में जा रहा हो, 1,3 है हाँ है, 3 का आगे जा रहा है नहीं जा रहा, क्या 3,2 जा रहा है नहीं जा रहा, 3,1 जा रहा है नहीं जा रहा, 3,3 जा रहा है नहीं जा रहा, कोई रिलेशन में जा ही नहीं रहा, 1 का 3,3 आगे जा ही नहीं रहा, 3 आगे क्या जा रहा है भाई नहीं जा रहा, किसी के साथ जा रहा है, तो ये क्या होगा, यस आल्सो क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव, ये इसकी डेफिनेशन है, क्यों भला 1,1 तो चेक करना है, कर लो भैया 1,1 है हाँ, 1,3 है तो 1,3 भी है, ए बी या बी सी भी तो बताया जब ए बी सेम होते हैं तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, फिर 1,3 चेक कर लो 1,3 है हाँ, फिर 3,2 है या 3,1 है या 3,3 है नहीं है, 3 का आगे रिलेशन ही नहीं जा रहा, 1 का 3 के साथ गया, 1 रिलेट कर रहा है 3 को, 3 आगे जाएगा, देन आल्सो ट्रांजिटिव, और कोई एलिमेंट बचे नहीं जिसको चेक करना है, जैसे इसमें चेक कर रहे हैं, सोचो सोल्यूशन में इफ 2,3 किससे बिलोंग करेगा रिलेशन से एंड 3, बताओ किसको लूं, बताओ जो रिलेशन में हो, 2,3 रिलेशन में है, 3 आगे जा रहा है जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, तो यस क्या हो जाएगा बताओगे, यस क्या हो जाएगा बताओगे, ट्रांजिटिव,
यस क्या हो जाएगा। अब एक बच्चा कई बार ये पूछ लेता मुझसे, वो भी बता दो आजो कोई बात नहीं, जो समझने वाले हैं उनको पूरा टॉपिक समझ आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, ऐसा नहीं है नहीं समझ आएगा। उनको समझाने का मजा भी रहता है कि मजा आएगा उनको समझाने में। कहता है एक बच्चा वन वन आ गया सर सिंपल, बताओ ये ट्रांजिटिव। तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ इसको कैसे चेक कर सकते हो, सोच लो सॉल्यूशन है। इफ वन वन कहता है रिलेशन में है, आगे कोई जा ही नहीं रहा वन के साथ, आगे वन वन है वन वन आगे जा ही नहीं रहा, क्या किसी के साथ जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या वन टू रिलेशन में नहीं है, वन थ्री है क्या नहीं है, यस क्या आ जाएगा ट्रांजिटिव है। कुछ स्कूल में कुछ टीचर्स इसको ऐसे बता देते हैं, वो भी ठीक बात करते हैं, वो भी ठीक बात करते हैं अगर कोई टीचर्स उनको ऐसे बता रहा है तो। कैसे कहता है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है वन टू थ्री, वो रिलेशन में लिख लेते हैं एक सेट है वन वन, पर ये बात उन बच्चों की समझ में है बहुत कम। बट कुछ बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको ये बात की समझ होती है, जो बात मैंने कई बार बोल चुका हूँ क्या बोला एक सेट में एक एलिमेंट वन टू है तो मैं इसको कितनी बार भी लिख सकता हूँ कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो इनको समझ जिसको समझ होती है, जैसे वन टू है और थ्री है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन टू थ्री कमा थ्री, कोई भी एक एलिमेंट है आ गया वन टू, एक एलिमेंट है थ्री है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन टू दो बार लिख दूँ क्योंकि ये सेट के अंदर है कहता थ्री है। तो जिनको ये समझ है इस बात की कितने एलिमेंट है दो, कौन सा एक वन टू और थ्री, क्योंकि पूरा एक एलिमेंट एक है, ये एक दो बार लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं कैसे वन वन, इसको दो बार लिख दो वन वन एक ही बात है सोचो, देखो अब किसको पता है। वो ये बातें होती हैं किसको पता है देखो जरा। अब कुछ टीचर्स को फिर ऐसे समझाते हैं अगर वन वन रिलेशन में है, सोचना डेफिनेशन नंबर वन लगा के वन वन है ए वन बी वन, ए वन बी वन फिर बी और सी, सी भी वन ले लेते हैं वन को वन रिलेशन में है तीनों सेम आ गए, देन बेटा ए बी बी सी तो क्या ए सी रिलेशन में है, हाँ है यस ऑलवेज, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा साइमेट्रिक। वो जैसे मर्जी पढ़ लो, करके जैसे तुम्हें समझ आती है वैसे पढ़ लो, कंसेप्ट के अंदर घुसो। एनसीईआरटी से बढ़िया कहीं पे भी पूरे किसी कोई बुक ले आओ चाहे फॉरेन ऑथर के ले आओ, एनसीईआरटी से बढ़िया लेशन फंक्शन किसी में नहीं है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ लिए तो सोचो तुमने लेशन फंक्शन पढ़ लिया, आ गया तुम्हें सिर्फ पढ़ भी लिया तो। एक एक इतने धासु एग्जाम्पल दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में जिसका कोई भी नहीं। चलो फिर मैं थोड़ा कर दूँ तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मैं फटाफट से कॉन्ट्राडिक्शन बतानी है और कुछ एग्जाम्पल जनरल बतानी है। पहले मैं कॉन्ट्राडिक्शन बता दूं किनको मैं ट्रांजिटिव बोलूंगा किनको मैं ट्रांजिटिव नहीं बोलता हूं, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है मैं उसको बोलूं। तो कॉन्ट्राडिक्शन इसमें थोड़ा समझने वाला होता है क्या रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता तो ये दो डेफिनेशन याद रखना। पहले कॉन्ट्राडिक्शन बता दूं, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है डेफिनेशन होती है, फर्स्ट कहता है अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर में है, लेट ए कमा सी बी कमा सी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है इफ ए कमा बी बिलोंग टू आर में है बी कमा सी भी आर में है देन ए कमा सी भी क्या होना चाहिए आर में, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो हमने ये देखना है क्यों ये दोनों क्या थे गिवन, ये दोनों क्या करेंगे चेक, अगर आपको समझ में आता है तो ये चेक करेंगे, कई बार हमने बात करें ना ठीक है। और फिर हम इसको क्या करते हैं अगर इफ ए कमा बी बिलोंग टू आर में नहीं है बी कमा सी भी बिलोंग टू आर में नहीं है देन ए कमा सी भी कहता है क्या आर में नहीं है, ये क्या है गिवन, ये क्या करना है चेक, देन आल्सो क्या होगा यस ट्रांजिटिव क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन, यस ट्रांजिटिव ये इसमें कोई भी क्या नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, समझ रहे हो। और एक डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी इनकी, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है बता देता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी शाबाश बता दो, हाँ कॉन्ट्राडिक्शन ये होती है गिवन कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन इसकी सुन लो क्या होती है अगर समझ आ जाता है। सबसे पहली बात अगर ए बी क्या है आर में है एंड बी सी भी क्या है आर में है देन ए सी क्या है आर में ना हो, ये क्या होता है गिवन, ये क्या करना होता है हमें चेक, तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं नॉट ट्रांजिटिव, ये होती है कॉन्ट्राडिक्शन का समझ आए, ये दोनों बिलोंग करते हैं ये बिलोंग ना करें। और दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है सोचो अगर ए बी बिलोंग नहीं कर रहा आर से एंड बी सी बिलोंग नहीं कर रहा आर से देन ए सी बिलोंग कर जे आर से, गिवन जो गिवन होता है वर्सेस जो चेक करना होता है तब भी कॉन्ट्राडिक्शन होती है।
कॉन्ट्राडिक्शन को समझना है तो दिमाग यहां रखना पड़ेगा आपको, ये सारे क्या करके बिलोंग, नो कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं, बिलोंग नहीं करते, नॉट कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट कॉन्ट्राडिक्शन। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं यहां पे अपना टेलीफोन नंबर लिख रहा हूं, आप कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप के थ्रू और या टेलीफोनिकली आप मुझसे पूछो, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा क्लैरिटी में। जो बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए उसको समझ होनी चाहिए, पर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, ये बिलोंग कर गए दोनों, ये बिलोंग नहीं कर गया, यस कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बिलोंग नहीं कर गए हैं, ये बिलोंग कर गया है, तो कहता क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, यस कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ने में समझता है बात को, वो मुझसे कभी पूछ ले, ठीक है, मैं जरूर समझा दूंगा। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन होती थी, वो कौन सी होती थी, अगर ए बी है पर बी सी नहीं है, वो अलग डेफिनेशन, अगर ए बी है एंड बी सी नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्शन ही होती, वो भी ट्रांजिटिव होती थी, ठीक है। और एक और बात होती थी, याद है डेफिनेशन नंबर 3 का, नहीं कह लो, अगर ए बी क्या है रिलेशन में है एंड बी सी क्या है रिलेशन में नहीं है, तुम कहोगे सर ये बिलोंग कर रहा है बिलोंग नहीं कर रहा, ये बिलोंग कर रहा है बिलोंग नहीं कर रहा, ये ऐसे नहीं सोचना, देखो ये दोनों बिलोंग कर रहे नहीं कर रहा, ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहे ये बिलोंग कर रहा है, दीज आर कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि ये कहो ये बिलोंग कर रहा है, नहीं, गिवन वर्सेस चेक की कॉन्ट्राडिक्शन देखनी है, ये गिवन थे ये चेक कर रहे हैं, गिवन वर्सेस चेक, गिवन वर्सेस चेक, गिवन अपने आपस में नहीं देखना, आपस में नहीं लगे रहना, यहाँ गिवन है ये भी गिवन है इनको नहीं देखना, ये नॉट ए कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर यस ट्रांजिटिव। अगर समझो तो, नहीं समझे हो ताके, ये दोनों चीजें क्या थी, गिवन थी, ये गिवन है ये भी गिवन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन ही है, ये गिवन था बिलोंग हाँ, ये चेक करना था ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये ना था ये हाँ था, ना किसमें था गिवन में और हाँ किसमें था चेक में, तो कॉन्ट्राडिक्शन थी। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसमें ये भी गिवन ये भी गिवन, ये हाँ ये ना, तो नॉट ए कॉन्ट्राडिक्शन ट्रांजिटिव, ये तीसरी डेफिनेशन या दूसरी कह लो जो एनसीईआरटी में होती है, ठीक है। अब 5 मिनट एग्जांपल दे दूं फटाफट, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है, मैं 5 मिनट फटाफट एग्जांपल देता हूं। फिर मैंने अपना टेलीफोन नंबर लिख दिया, जब भी आपको नहीं दिख रहा है तो मैं 9416304782 इस पे पूछना कभी भी। अभी मैं फिलहाल आगे चल देता हूँ आपको, कि आप फिर जहां से मर्जी बोलो, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पूछ लो, ठीक है, जब मर्जी तो आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, क्या बोला, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, चलो वहां लिख दो, बस कॉन्ट्राडिक्शन अप कर दूं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर अंदर थोड़ा दिमाग लगाना, ट्रांजिटिव में एक रिलेशन बी के साथ, बी आगे जाए ना तब भी ट्रांजिटिव, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ होना चाहिए, ये क्या दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट, और ये क्या दिया हुआ है, रिलेशन, ये क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, साइमेट्रिक, और अब मैं क्या बता रहा हूं, ट्रांजिटिव, ठीक है, यस है कि नो है, ठीक है, चलो फिर मैंने सेट तो क्या लिया, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर रिलेशन क्या ले लिया मैंने, पहला क्या लिया था, इज लेस देन, इज लेस देन, क्या एक नंबर खुद से छोटा होता है, नहीं, अगर एक नंबर बी से छोटा है तो क्या बी ए से छोटा होगा, नहीं, अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है तो क्या ए सी से छोटा होगा, यस, कैसे, अगर ए कमा बी बिलोंग टू रिलेशन में है, implies a is less than b है, and b comma c भी relation में है, अगर a का relation किसके साथ है, b के साथ, a is less than b है, and b का relation किसके साथ है, c के साथ, b less than c है, then a का relation c के साथ चेक करो, a less than c होगा, होगा, from 1 comma 2 से yes होगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, transitive आ जाएगा। एग्जाम्पल है, डब्ल्यू मतलब होल नंबर के लिए रिलेशन था, इज इक्वल टू, क्या एक नंबर खुद के इक्वल होगा, होगा, अगर एक नंबर क्या है, ए बी के इक्वल है तो क्या बी ए के इक्वल होगा, होगा, पहला गिवन है, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, क्या ए सी के इक्वल होगा, होगा, इफ ए कमा बी बिलोंग टू रिलेशन, ए का रिलेशन बी से है, ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज इक्वल है, एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, बी इज इक्वल टू सी, then check करो, a का relation c के साथ, a equal to c होगा, होगा, from 1 comma 2 से होगा, a b b c a c के equal, तो ये transitive होगा, कौन सा वाला, equal to,
सेट ऑफ ऑल द पर्सन इन टाउन में. हमने क्या पूछना है, रिलेशन. कौन सा रिलेशन करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सॉरी रिलेशन बोलो, इज फादर ऑफ. क्या ए खुद का फादर होगा रिफ्लेक्सिव में, ए इज फादर ऑफ ए. नहीं, ए फादर है बी का. क्या बी फादर होगा ए का, ए फादर है बी का. क्या बी फादर होगा ए का, नहीं, बी सन होगा. नॉट ट्रांजिटिव. अब मैं नॉट सॉरी रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में होता है ए फादर है बी का, तो बी क्या होगा, सन होगा, फादर नहीं होगा. अब मैं क्या चेक करूं, तीसरा बोलो बोलो. ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, इंप्लाइज ए इज फादर ऑफ बी है, ए फादर ऑफ बी है, एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, बी इज फादर ऑफ सी है. क्या बी फादर हो सकता है सी का, ये सोचो. ए फादर है बी का, बी फादर है सी का, हो सकता है. दादाजी को सोचो, अपने अपने घर में जो दादाजी हैं उनको सोचो, वो तुम्हारे बाप के बाप हैं, वो आप सबके बाप के बाप हैं. तो दादाजी क्या है, दादाजी हैं. ए इज फादर ऑफ बी है, बी इज फादर ऑफ जो हमारे बाप हैं, वो हमारे बाप हैं. नहीं समझ रहे, ए इज फादर ऑफ बी, मैं दादा, ये मेरा सन. फिर बी इज फादर ऑफ सी, उसका भी आगे सन है. सोचो, तो ए इज फादर ऑफ बी हो सकता है, हाँ, बी इज फादर ऑफ सी हो सकता है, हो सकता है. ए इज फादर ऑफ बी, बी इज जो हमारे डैडी हैं, फादर ऑफ हमारे फादर हैं, बी इज फादर ऑफ सी. तो क्या ए सी का फादर होगा, ए फादर है बी का. कंफ्यूज नहीं होना, सोचो आराम से. ए फादर है बी का, ए दादाजी आ गए, बी क्या हो गए, डैडी. हाड़ी नहीं डैडी, अच्छा डैडी नहीं पता, चलो डैडी हो गया. सी क्या हो गए, आप. दादाजी फादर हैं डैडी के, डैडी फादर हैं किसके, हमारे. अब क्या चेक कराओगे, देन ए का रिलेशन किसके साथ, सी के साथ. ए इज फादर ऑफ सी, ए क्या थे, दादाजी, दादाजी हैं. सी क्या है, आप हो. तो ए क्या आपका फादर है कि ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है, फादर नहीं है. कौन है, ग्रैंडफादर. ए फादर है बी का, बी फादर है सी का, बट ए इज ग्रैंडफादर ऑफ सी. रिलेशन ही चेंज करना, रिलेशन पढ़ो क्या है, फादर हो. क्या फादर होंगे, नहीं होंगे. तो क्या होगा, नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांजिटिव है इस फादर ऑफ, नॉट ट्रांजिटिव है. समझे हो, पढ़ो दोबारा, पढ़ो जरा इसको जो मैंने भी समझाया, रिवाइंड करो जरा अपनी वीडियो को, दोबारा पढ़ो. ये भी सेट ऑफ ऑल द पर्सन, इज वाइफ ऑफ, इज वाइफ ऑफ. एक खुद की बीवी होगी, ए इज वाइफ ऑफ ए, नहीं होगी, नो. ए वाइफ है बी की, तो क्या बी वाइफ होगी, क्या नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया. एक भी फेल तो फेल. ए वाइफ है बी हस्बैंड होगा, नॉट सिमेट्रिक. अब आगे चलो, इसको बता दूं, ए इज वाइफ ऑफ, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए वाइफ है बी, बी का रिलेशन सी के साथ, बी इज वाइफ ऑफ सी. इंडिया में बी इज वाइफ ऑफ सी, वाइफ ऑफ सी. क्या हो सकता है ऐसा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता. ए वाइफ है बी की, ए वुमेन है, मैं जैसे पहले सुना था, ए वुमेन है, वाइफ है बी की. बी तो क्या हो गया, ए क्या हो गया, इसमें वुमेन होगी, वुमेन. और बी क्या हो गया इसका, हबी, हबी मतलब हस्बैंड, हस्बैंड मतलब मैन हो गया, मैन. तो बी क्या है, मैन है. तो क्या बी वाइफ हो सकती है इसी की, एक आदमी किसी की वाइफ हो सकती है इंडिया में, नहीं हो सकता. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की वाइफ है, बी आगे रिलेशन दिया ही नहीं. देन आल्सो ट्रांजिटिव, यस ट्रांजिटिव, यही तो इसमें खासियत है. इसमें डेफिनेशन कौन सी लग रही है, सेकंड रब करो या यहां लिख दो, यस पहले सोच लो, यस ए वाइफ है बी की, बी आगे जाएगा ही नहीं रिलेशन. ए का रिलेशन बी के साथ है, बी आगे रिलेशन में जा ही नहीं रहा सी के साथ, देन आल्सो ट्रांजिटिव कर दूं रब. चलो तब तक देख लो, जब तक मैं अगला लिखता हूं वाइफ के बाद क्या किया था बताओ, याद करो. सेट ऑफ, अ सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू, किस परपेंडिकुलर टू. तो क्या कराओगे इस परपेंडिकुलर टू, बताओ क्या कराओगे. एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगी, नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अगर एक लाइन बी के परपेंडिकुलर है तो क्या बी ए के परपेंडिकुलर होगी, हाँ होगी. अब मैं रब कर रहा हूँ, सोचना, ट्रांजिटिव सोचो. अगर एक लाइन, यस है, अगर एक लाइन ए है, बी के परपेंडिकुलर है, और बी किसके परपेंडिकुलर है, सी के, ए परपेंडिकुलर टू बी है,
एक लाइन ए कॉर्लेशन बी के साथ है, क्या ए इज परपेंडिकुलर टू बी है? सोचो, ए कॉर्लेशन बी के साथ, ए परपेंडिकुलर मतलब है बी के साथ, बी किसके साथ परपेंडिकुलर है? सी के साथ, तो क्या ए और सी परपेंडिकुलर होंगे? नहीं, पैरेलल होंगे, रिलेशन चेंज हो जाएगा। देखना चाहते हो इसको, ये लो देख लो, अगर देख लो ए कॉमा बी, ए कॉर्लेशन बी के साथ है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी है, ए एरी लाइन बी एरी लाइन, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, एंड बी कॉर्लेशन सी के साथ है, क्या बी परपेंडिकुलर टू सी हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, 90, तो चेक करो, देन ए कॉमा सी, ए रिलेशन करेगी सी के साथ, ए कॉर्लेशन सी के साथ होगा, ए इज परपेंडिकुलर टू सी होगा, नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया? नॉट ट्रांसिटिव। समझ रहे हो क्या है? सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन द प्लेन में, ठीक है? हाँ जी बोलो, आप भी बोलो। सर स्पेस में हो तो स्पेस 3D होती है, उसमें प्लेन इंक्लूड होता है। स्पेस 3D होती है उसमें इंक्लूड होता है। जैसे एक बच्चा क्या कहता है समझो, वो कहता है सर एक्स वाई जेड एक्सिस ले लो, वो ले ले का क्या, तू ले ले, ये ले एक्स ले ले, वाई ले ले, ये ले जेड ले ले, ले जो लेना है लो एक्सिस के अंदर, कोई बात नहीं, चल समझना चाहता, एक मिनट और सही। वो कह रहा है एक आपने एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली, ये एक्स है सर, ये वाई है, जेड है, ये मेरे को हाथ में दिखा रहा है, कहता है स्पेस में ले लो या प्लेन लिखा हुआ है। वो कहना मुझे चाहता है सर प्लेन ना लो स्पेस ले लो, मैं कहता हूँ ले लो स्पेस, ये पूरा रूम होता है, जिस रूम में हम पढ़ रहे हैं वो सारा एक स्पेस है, उसमें ये दीवार भी आएगी, ये दीवार भी आएगी, हवा भी आएगी, बेंच भी आएंगे, ये बोर्ड भी आएगा, ये सारा स्पेस है। मानते हो 2D और 3D में फर्क पता है ना? 2D जिसमें कोई चीज ऑक्यूपाई ना हो सके, जैसे बैंगल आपका कड़ा, और 3D जिसमें कोई चीज ऑक्यूपाई हो सके, बॉल वेसल, उसमें कोई चीज ऑक्यूपाई होती है। 3D लेंथ ब्रेथ हाइट, जो ये 3D में है। तो कहते सर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। मान लो सर ए इज परपेंडिकुलर टू बी है कि नहीं है? बिल्कुल है। बी इज परपेंडिकुलर टू सी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या सर ए सी के परपेंडिकुलर नहीं है? है कब के? फिर तो ट्रांजिटिव हुआ। ओ कह के नहीं हुआ, ओहो फंस गया, कोई बात नहीं, दो मिनट और सही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ इधर आओ। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ। ये लड़का मुझे क्या कह रहा है साहब, देखो किस किस के दिमाग में जाती है बात है। वो कहता है सर ये ए है, सर ये बी है, सर ये सी है। मैंने मान ली उसकी बात, पर मैंने उससे पहले एक बात पूछी। आपकी बात जवाब देने से पहले मैं एक बात आपसे पूछ लूँ, बताओ ए क्या लिखा हुआ है? ए सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन द स्पेस। पहले इसकी बात का जवाब कर दे बेटे, मेरे को सिर्फ इतनी बात बता दे, सिर्फ मुझे जो ये तुमने क्वेश्चन पूछा इसमें बस इतनी बात बता दे, क्या ये लाइन स्पेस में, ये पूरा एक कमरा एक स्पेस है? हाँ है। क्या ये लाइन स्पेस में? हाँ। ये लाइन स्पेस में, 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 मां मार दो स्पेस में, बिल्कुल है। हवा में आड़ी तिरछी कुछ भी लाइन मार दो, ठीक है, चल ठीक है। तो आपने कहा मुझे सर ये तीन लाइनें ले लो स्पेस में, आपने बोला एक ये ले लो सर ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, तीन लाइनें ले लो स्पेस में, मैंने कहा ले ली, आपने कहा मैंने कहा ले ली। फिर मैं आपने मुझे कहा सर ये देखो एक लाइन ए ये बी के परपेंडिकुलर है, मैंने कहा हाँ है। सर ये रो बी ये सी, बी सी के परपेंडिकुलर है, हाँ है। सर तो देखो ध्यान से सर ए और सी भी तो परपेंडिकुलर हुए, मैंने कहा हाँ हुए। तो कहता सर ट्रांजिटिव हुआ। ओ काके नहीं, ओ गधे नहीं। सर कैसे? अब मेरी बात सुन ले, सुन ले, नहीं समझ आएगी तो बताइयो। ए बी सी तेरी बात ठीक है, ये पूरा स्पेस था, आपने मुझे तीन लाइनें दी स्पेस में, ए एक बी एक सी, एग्री। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, एग्री। बी इज परपेंडिकुलर टू सी, एग्री। ए इज परपेंडिकुलर टू सी, एग्री। पर मेरी एक वर्डिंग याद रखना जो मैंने पहले भी कही है, अगर एक केस पास हो जाए तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? या सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? सारे केस पास होने चाहिए। आपने मुझे केस बताया ये पास है, पास है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव क्या दूं? जैसे मैंने क्या कहा था, इज क्यूब ऑफ इटसेल्फ, ए इज क्यूब ऑफ ए, ए इज लेस देन इट्स क्यूब, सॉरी एक रिलेशन बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव में, ए इज लेस देन इट्स क्यूब। जैसे 2 ले लिया था, क्या 2 लेस देन 2 क्यूब होता है? होता है। 3 लेस देन 3 क्यूब होता है? 27 से छोटा होता है। 5 लेस देन इट्स क्यूब होता है? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, क्या 1/2 लेस देन 1/2 क्यूब होता है? 1/2 छोटा था 1/8 से? नहीं। तो इसका मतलब एक केस फेल हो गया था ना, तो क्या हुआ? वो क्या रिफ्लेक्सिव रहा था? नहीं रहा था, क्योंकि पास 2 पास हो गया था, 2 लेस देन 2 क्यूब, 3 लेस देन 3 क्यूब, 5 लेस देन 5 क्यूब, ये पास हो रहे, पर एक भी फेल, तो ये फेल मानता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब सुन,
ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, ए परपेंडिकुलर टू सी, पास है बिल्कुल पास है, पर मान मेरी बात, ये स्पेस है ना सारा, मैंने स्पेस में तीन लाइनें ले ली, सॉरी ये ले ली मैंने ए, सुनता नहीं हूँ, स्पेस में नहीं है, सुनता रहे, यहाँ पे डाल दूँ या रब कर दूँ थोड़ा सा, चल मैंने एक स्पेस में एक लाइन ले ली ए, क्या ये स्पेस में है, क्या प्लेन स्पेस का हिस्सा है, पता है आपको 2D 3D का हिस्सा है, हाँ है, ये सबको पता है ना, क्या मतलब ये पॉइंट होता है, पॉइंट पॉइंट को क्या बोलते हैं बताओ, 0D, जीरो डायमेंशन, जिसको पता नहीं है सोच लो कोई डायमेंशन नहीं, लाइन लाइन होती है वन डायमेंशन, पता है ना, टू डायमेंशन क्या होती है, प्लेन, प्लेन होता है क्या बोला, प्लेन वो क्या होता है, टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में अगर आपको पता हो वन डायमेंशन आता है, वन डायमेंशन में जीरो डायमेंशन आता है, पॉइंटों को जोड़ के लाइन बनती है रेखा, ओहो पुरानी फिल्म वाली रेखा नहीं हो गधे, लाइन लाइन पॉइंटों को जोड़ते सिक्स क्लास में तो लाइन बनती थी, तो पॉइंट से लाइन बनती है, लाइन से प्लेन बनता है, प्लेन से 3D बनती है, इसका मतलब पता होना चाहिए क्या, ये अगर आपको समझ में आती है तो 2D सबसेट होती है 3D की, 2D इंक्लूड होता है 3D में, 0D इंक्लूड होता है अगर जिसको पता हो 1D में, 1D और 0D इंक्लूड होते हैं इन 2D में, अगर ये समझ आ जाए, 0D ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं थी, ये साइंस में समझते आप, इंक्लूड होते हैं तो अपने दिमाग से पूछो इन 3D में, सोचना तो भैया ये प्लेन स्पेस होता है, स्पेस स्पेस में 3D है, इसमें 2D इंक्लूड होता है, तो मैंने वही कहा तुमने 3D के अंदर मुझे एग्जांपल बताया, एक ये के पास था, मैंने कहा पास था बिल्कुल पास था, पर मैंने कहा ये भी तो एक 3D है, प्लेन भी तो 3D में आता है, 2D इज आल्सो इंक्लूड इन 3D, मैंने एक लाइन ए ले ली, मैंने एक लाइन बी ले ली, मैंने एक लाइन सी ले ली, मेरी बस बात का जवाब दियो, क्या ए बी में रिलेशन है, क्या ए और बी परपेंडिकुलर है बेटा, हाँ कि नहीं, आराम से देख, आराम से, हाँ है, क्या बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है बेटा, क्या बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है, हाँ है, तो ए का रिलेशन क्या है, बी के साथ है, बी का रिलेशन क्या है, सी के साथ है, क्या ए और सी तुझे परपेंडिकुलर दिख रहे हैं बेटा, नहीं दिख रहे, ए किसके पैरेलल है, ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है, ये केस फेल हो गया, भले ही स्पेस में ये केस पास हो रहा था, भले ही पास हो रहा था, पर ये केस क्या हो गया, ये भी स्पेस में है, तुमको ये कैसे स्पेस में, ओ काके 2D 3D में होता है यार, तो ये केस क्या हो गया, फेल हो गया, और एक भी केस फेल तो फेल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए ये बी ये सी ये क्या देगा, नॉट आगे, क्यों बेटा, एक केस फेल तो फेल, एक पास होने में पास नहीं है, तू कहे सर ए बी सी 3D में ऐसे ले लूं तो मेरा ये केस पास हो गया, एक पे पास नहीं है, एक भी फेल तो फेल, मेरी बात याद रखना, आप 11th के एग्जाम देते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश, और एक में फेल तो कंपार्टमेंट का एग्जाम दोबारा देते हो, एक में पास तो आपको अगली क्लास में प्रमोट नहीं करता कोई भी, पर एक में फेल तो आप फेल माने जाते हो सब्जेक्ट में, उसको दोबारा री देनी पड़ती है आपको, तो एक में फेल तो फेल, चाहे हजारों केस पास हो रहे हो, पर एक भी केस अगर आपको ऐसा मिल गया जिसमें आप फेल हो रहे हो उस केस में, तो ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, पास होने के लिए सब में पास होना जरूरी है, मैथ में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, जो जो प्लस वन में, मैथ में पास, फिजिक्स में पास, केमिस्ट्री में पास, इंग्लिश में पास, देखो कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, ओ मुझे पता है कि कौन कौन कैसे था, इधर देखो मैथ इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स और फिजिकल में पास, तो अगली क्लास में चले गए बेधड़क हो गए, नहीं तो कहीं को एक दिन पहले फोन आ गया था, याद है, हाँ काके समझ रहे है, तुझे कह रहा हूँ शाबाश, समझ जा अपने दिमाग से, मैथ में पास फिजिक्स में री, या मैथ में उड़ गए कुछ बच्चे, कुछ बच्चे केमिस्ट्री, उनका दोबारा पेपर हुआ, तो क्या कहते हो कि एक में फेल तो दोबारा पेपर हुआ था, फेल, चाहे भले तुम फिजिक्स में पास थे, केमिस्ट्री में पास थे, इंग्लिश में पास थे, देखो फिजिक्स में पास, केमिस्ट्री में पास, इंग्लिश में पास, फिजिकल में पास, या जो भी सब्जेक्ट था आपका ऑप्शनल, मैथ में फेल तो दोबारा पेपर देना पड़ा, या जिसका भी आप में री थी, तो उसका एक में फेल तो फेल, पास होने के लिए क्या चाहिए काके, सब में पास, तो एक भी केस पास वाला केस है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल पूछा, पास वाला केस है, बट एक भी फेल आ गया तो क्या मानोगे, फेल आ गया तो क्या मानोगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज मजा बहुत आया आपके साथ, 1630472, जब मर्जी डाउट लो, अच्छी तरह पढ़ो, आज करा के कुछ लगा कि कुछ हुआ है, कल वाले लेक्चर में देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पढ़ जरूर लेना, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 पढ़ जरूर लेना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।